चुनाव कैसा चल रहा चंद्र? अच्छा चल रहा। नगीना क्यों? पार्टी ने तय किया। एक ही सीट लड़ेगी पार्टी? अभी तो, अभी तक, अभी तो फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में एक ही सीट लड़ रही है। बाकी का पार्टी का जो फैसला होगा उसका स्वागत करेंगे। अभी तो क्योंकि पार्टी खाली तो बैठेगी नहीं। पहले पार्टी का प्रयास था कि मिलकर सब लोग लड़े और भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, क्योंकि बहुत को नुकसान हुआ है देश में। लेकिन फिर दूसरे दलों ने महसूस किया कि उनको जरूरत नहीं है चंद्रशेखर आजाद की। तो फिर सब पार्टी के सब लोगों ने तय किया कि पहले हम नगीना से निपट लें, उसके बाद फिर अपने फैसले करेंगे। इंडिया अलायंस में दाखिल होना चाह रहे थे आप? बातचीत हुई ना सब लोगों से और भरोसा भी दिलाया उन्होंने, लेकिन लास्ट टाइम उनको लगा कि उनको क्या लगा वो ही जानते हैं। किसने विरोध किया? व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कह सकता। मैंने कांग्रेस के लोगों से बात की, मैंने राष्ट्रवादी के लोगों से बात की, शरद पवार जी से, कांग्रेस के सीनियर लोगों से, समाजवादी के लोगों से, सभी लोगों से बात की। आप जाना चाह रहे? मेरा ये मन था कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है। जिस तरह की चीजें पिछले कुछ दिनों में हुई, ऐसा लगता कि कुछ बचा नहीं है। लेकिन अब तो सीट मांग रहे थे? यस, सिर्फ ये मांग नहीं रहा था, मदद मांग रहा था। सीट तो मेरे पास इतने सिंबल है जितने उनके पास, मेरी पार्टी रजिस्टर्ड है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं एक सीट लड़ूंगा, बाकी सीटों पर आपकी मदद कराऊंगा। वो भी वो कहते हैं कि भाई हम देश बचाने, लोकतंत्र, लेकिन कहाँ बचा रहे हैं? वो तो अपनी अपनी पार्टियों को बचाने के चक्कर में लगे। पर आपके संबंध कांग्रेस से तो अच्छे थे, प्रियंका गांधी आपको मिलने भी आई थी, तो क्या ऐसा हो गया? शायद लखनऊ के जो पार्टी के नेता वो उनके आगे उनकी ना चली। अखिलेश जी की बात किसी के नाम नहीं लेना चाहेंगे। और हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार के आगे झुका सा नजर आता है, पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी, ये अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में तो सत्ता के साथ विपक्ष की अहम भूमिका है। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, वो मजबूत नहीं होना चाहिए। विपक्ष इतना मजबूत हो कि सत्ता को तानाशाना होना दे। कोई यहाँ नगीना लोकसभा के अंदर न मोदी चलेगा, न अखिलेश यादव चलेगा, चलेगा तो सिर्फ केतली चलेगा। मौका सबको दिया कि केतली को देंगे हम, क्योंकि हमारा आपका नया विकास चाहिए, हमें विश्वास है, हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। आपको लगता है आपका समाज हाथी को छोड़कर केतली का बटन दबाएगा इस बार, जो आपका सिंबल है? देखिए, मैं अगर आप राजनीति में मेरे समाज से की बात करेंगे तो मैं समाज पे रुकूंगा, लेकिन क्या मैं सिर्फ समाज की लड़ाई लड़ता हूँ? मैंने तो एनआरसी की लड़ाई लड़ी मुस्लिम भाइयों की, मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी 13 महीने जो किसान लड़ते रहे, मैंने पहलवान बेटियों की लड़ाई लड़ी, 49 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ी, कहीं भी किसी बेटी पर किसी भी जाति धर्म की हाथरस से लेकर कहीं भी कोई अन्याय हुआ मैं जाके लड़ा। इंसानियत जिंदा रखी हमारे भाई ने, हर मजलूमों का साथ दिया हमारे भाई ने, ये आवाज हमारी बुलंद करेंगे संसद में, हम इसलिए इनका साथ दे रहे हैं। गरीब दलित मुस्लिम भाइयों के समर्थन में वोट करेंगे। देखिए, आजाद भाई ने जो खून की बूंदे बहाई हैं इसमें, तो हमारा हक बनता है एक पसीने की बूंद बहाई जाए उनके लिए। पर समीकरण बनाते हैं चुनाव और समाज में पैदा हुआ हूँ। अब भारत में जाति है, जाति के आधार पे जिस समाज में पैदा हूँ, मेरा समाज मेरे साथ लामबंद है। सुई के नाके में हमारे कहावत है, सुई के नाके में को निकलेगा वो, आप देख लेना। मैंने तो मेहनत की है ना, मैं जानता हूँ। वो भी देख रहे हैं कि एक आदमी जो 11 साल से हमारे लड़ रहा है, मुसीबत झेल रहा है, गोली खाता है, लाठियां खाता है, उसको मारने के लिए लोग घूम रहे हैं, तो वो समझता है समाज, बेवकूफ नहीं है समाज। समाज ने पिछली बार आंदोलन खड़ा किया विचार के साथ, उनको विश्वास था कि आंदोलन की जिंदगी बदलाव लाएगा। वो तो है ही नहीं फील्ड में, जिन्हें अपनी सत्ता का डर हो, जिन्हें अपने पैसे की दिक्कत हो, तो बचाने के लिए दुबी बैठी हूँ, 7,000 करोड़ की संपत्ति पे कहीं ईडी ना बैठ जाए उनके, तो वो क्या मदद करेंगे हमारी? वो तो खुद अपनी अपने लिए बचने के लिए तैयार हो। दलित समाज है, वो हमेशा मायावती के पीछे खड़ा हुआ कहते हैं, और ये चुनाव इसीलिए कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये सीट निकाल ली नगीना की, तो जो दलित पॉलिटिक्स होती है यूपी में वो बदल जाएगी। इसीलिए तो मुझे रोकने के लिए बहुत इंतजाम किए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे, मुख्यमंत्री आ गए। मुझे लगा था मुझे मेरी लड़ाई भाजपा से, लेकिन अब तो लग रहा है कई और लोगों से लड़ना पड़ रहा है। मैं जाति धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं धर्म को कभी लाता नहीं हूँ बीच में। लेकिन सवाल ये है, समाज ने जिस उम्मीदों के साथ बेंजी को ताकत दी थी, ये वो धरती है जिसने बेंजी को सबसे पहले इज्जत दी, 89 में MP बनाया। आप जाके देखो ना बिजनौर को, आपको देखे हंसी आएगी बिजनौर पे। यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है, यहाँ कोई उद्योग नहीं लगे हुए, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, मिलों के मिल समय पैसा नहीं देता। तो आप कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है, मान लीजिए जो गठबंधन की हम बात करें या मायावती जी की बात करें, कोई भी नहीं चाहता है कि कोई एक स्ट्रांग दलित नेता उभरे, और ये सीट वो तय कर देगी कि उभरेगा कि नहीं उभरेगा। सही मानते हैं? दलित बेवकूफ नहीं है, वो पैर की जूती बनकर नहीं रहेगा। उसको पिछले आंदोलन ने ताकत दी, लेकिन इस आंदोलन ने उसको लड़ना सिखा दिया है। 2 अप्रैल 2018 का उदाहरण है,
हमने केंद्र सरकार को कुछ ही घंटों में झुका दिया था। जो सरकार किसी आगे नहीं झुकती थी, किसानों को झुकाने में 13 महीने लगे, हमने कुछ घंटों में झुका दिया। हम शहादत देने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कहा प्रथम अंत्य भारतीय हैं, इस भारत की रक्षा के लिए हम कोई भी कीमत चुकानी पड़ती। हम जानते हैं भाजपा क्या कर रही है और हम ये भी जानते हैं विपक्ष क्या कर रहा है। और वो मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी लड़ाई भाजपा से कम मुझसे ज्यादा है, लेकिन क्या अगर ऐसा होता तो कोई फायदा नहीं होता। ऐसा होता तो डॉक्टर अम्बेडकर को रोकने के लिए कितना प्रयास किया गया। अगर आप 2019 की बात करें, जो दलित समाज है काफी स्तर तक वो मायावती से हटकर भाजपा में गया था, इस बार आपको लगता है वही समीकरण बैठेंगे या वक्त बदल गया? तो वक्त बदल रहा है और हमने काम किया दीदी, हमने काम किया, हमने मेहनत की है। ये आदमी जिसको मारने के लिए सब लोग घूम रहे हैं, ये हमारे लिए लड़ रहा है। मेरी अपनी लड़ाई क्या है? मैं भी तो कमा के खा सकता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, विदेश जा रहा था पढ़ने, सब कुछ यहाँ समाज के लिए लगा दिया, तो समाज नहीं देख रहा है क्या? समाज देखता है। एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है दलित और मुसलमान, इससे भी बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा। जो हक वंचित समाज के लोग सब इकट्ठा होंगे, क्योंकि अभी तक जिनसे भी उनसे जो वादे उनसे वो धोखे थे, जिसकी इतनी संख्या बार उसकी इतनी हिस्सेदारी। भाजपा ऑप्शन रहेगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, मरते दम तक नहीं। मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी नहीं बन सकता। चंद्रशेखर जी, आखिरी सवाल, आपकी रैली में हमने सुना आपने सीधा प्रधानमंत्री पे निशाना दावा है, जब आपने बोला फिर ऐसे बताओ हमारा निशान क्या, जोर से बताओ, लाला जी को भी बताओ, दुकानदार को भी बताओ, चाय वाले को भी बताओ, और ये केंद्रीय कहां से लाए बताओ आपको, ये केंद्रीय मोदी जी से छीन के लाए। समझ में आ गया क्या आइडिया है? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को टारगेट करके सक्सेस हो सकता है? नहीं, क्योंकि अभी तक तो नहीं हुआ है। मैं कहां टारगेट कर रहा हूं? नहीं किया, मैं तो उनकी नीतियों को टारगेट कर रहा हूं। आपने तो बड़े वादे किए थे कि आप देश को आत्मनिर्भर बनाओगे, तो आप देश को भुखमरी की तरफ क्यों ले जा रहे हो? आज ये लोग, इनको राशन मिल जाए, कल क्या है ये तो बता दो, इनके ऊपर कर्ज कितना है ये तो बता दो, रुपए की वैल्यू क्या होगी ये तो बता दो, कि भाई आने वाले कल में आप जो है प्राइवेट सेक्टर जो खड़ा कर रहे हो उसमें गरीब कमजोर दलित पिछड़े घुस भी नहीं पाएंगे, ये तो बता दो, इनका आरक्षण हम खत्म करने वाले हैं, कुछ तो कहो। तो एक नई राजनीति का दौर खड़ा हो रहा है और जो राजनीति युवाओं के भरोसे चलेगी। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप हमसे जुड़े। धन्यवाद। सारी पार्टी देख ली आपकी बार केतली, हमारा निशान केतली, बच्चे बच्चे का निशान केतली। ये मोदी जी का चुनाव तो था, खत्म हो गया, अब हमारे चंद्रशेखर भाई का चुनाव है। इंसानियत की लड़ाई है ये सब बदलाव लाएंगे, एक बार ये आ जाए संसद में, फिर सारे बदलाव आप लोग खुद देखेंगे।